हाई एवरी वन हाउ यू ऑल आप लोग कैसे हैं और हम एक और अमेजिंग सी वीडियो लेके आए हैं आपके लिए विच इज़ डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेज और ये कुछ शॉर्ट फ्रेजिज हैं कुछ इडियम्स का मिक्स है इसमें और उसके साथ में कुछ टिप्स हैं जो आपको इंटरव्यूज के लिए काम आएंगे सो आई होप ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगे अच्छी लगे एंड अपडेटेड uh, रहने के लिए बेलाइकन को पहले से ही प्रेस कर दीजिएगा uh, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ मेरा नाम अंकुर है और मैं एक कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट हूँ एक पब्लिक स्पीकर हूँ और एक सेल्फ पब्लिश्ड ऑथर हूँ थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी टुडे एंड व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आर दीज थिंग्स बेसिकली शॉर्ट फ्रेजेस डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस एंड एडियम्स एंड देन लास्ट बट नॉट लीस्ट वुड बी टिप्स फॉर इंटरव्यूज सो लेट्स किक ऑफ एवरी एंड uh, जो मैं सेंटेंसेज आपको यहाँ पे बता रही हूँ उनको मेरे साथ भी प्रैक्टिस कीजिए एक बार वीडियो देखने के बाद खुद से प्रैक्टिस कीजिए देन मिरर प्रैक्टिस हो सकता है पॉसिबल तो वो जरूर कीजिए आप ताकि ये आपके दिमाग में थोड़े टाइम के लिए एटलीस्ट फिट बैठ जाए और मेक श्योर sure कि आप हर सेंटेंस को डेली बेसिस पे यूज कर रहे हैं तभी आप उसको एक अच्छे तरीके से बोल पाएंगे अगर आप ये सोचते हैं कि पांच मिनट की वीडियो से आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा तो ऐसा नहीं है बिकॉज यू आर द वन जिसे कंसिस्टेंसी बना के डेली प्रैक्टिस करना है रीडिंग भी करनी है राइटिंग भी करनी है ये वीडियो देख के सुनना है समझना है जो चीजें बताई गई है एंड देन उसको लास्ट में अगेन रिवाइज करना है सो so स्टार्ट करते हैं हम आई डेंट गेट यू इज बेसिकली मैं समझा नहीं आई didn't गेट यू या फिर आई did नॉट गेट यू डिट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी विच इज important रूल जो आपको ध्यान रहने चाहिए वट्स द रश मतलब जल्दी क्या है What's द रश रश का मतलब जल्दी वॉच आउट मतलब ध्यान रहे वॉच आउट पार्डन इज दोबारा बोलिए अगर आपको कुछ चीज किसी समझ नहीं आई तो यू कैन आस्क Pardon प्लीज एंड आफ्टर दैट हैंग ऑन हैंग ऑन मतलब वेट करना किसी को आप अपने फ्रेंड्स को ऐसा बोल सकते हैंग ऑन फॉर अंट आई एम कमिंग राइट तो अगर कोई आपका वेट करे तो यूकन जैसे हैंग ऑन आई एम कमिंग देर एंड देल मी अगर आप किसी चीज में इंटरेस्टेड नहीं है या फिर आप जानना नहीं चाहते कोई हिंट दे रहा है आपको कोई पर्टिकुलर गेम में या कुछ भी देन वहां पर आप बोल सकते हैं डोंट टेल मी अभी मुझे मत बताओ लेट मी गेट्स इट नेक्स्ट इज देर यू गो देर यू गो आप यूज करते हैं जनरली जब आप कोई uh, सही कर रहा है सामने वाला कुछ चीज या फिर आप कुछ दे रहे हैं उनको तो उस केस में यू से देर यू गो डिड यू गेट इट डिड यू गेट इट का मतलब है क्या आपको समझ में आया डिड यू गेट इट और यहाँ पे ये प्रेजेंट में है हमारा सेंटेंस है जो आई डोंट अंडरस्टैंड मुझे समझ नहीं आया आई डोंट अंडरस्टैंड ओके एंड देन डे इज सी लाइक इट सीम्स लाइक इट का मतलब होता है ऐसा लगता है नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विदियम्स इडियम्स हम ये पांच करने वाले हैं बेसिकली फर्स्ट वुड बी टू जम्प ऑन वैगन बैंड वैगन एंड देन टू कीप वेन दर्ड वन वुड बी टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग टू मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट एंड द लास्ट वन वुड बी टू टू मिस दोर्ड सो ये पांच इडियम्स मैंने बस इसलिए यहाँ पे एड करे हैं ताकि आपके वो uh, कैबुलरी इंप्रूव हो एक चीज तो दूसरा आपके जो नॉलेज है इंग्लिश को लेके वो एक एडवांस लेवल पे आए सो नेटिव स्पीकर जो होते हैं वो एडियम्स को ज्यादा यूज करते हैं नॉर्मल सेंटेंसेज के बदले सो वी आर जस्ट गोइंग टू लर्न अबाउट दैट टू जम्प ऑन बैंड वैगन का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर कॉज को सिर्फ इसके सपोर्ट करना क्योंकि वो पॉपुलर है तो तो जंप ऑन बैंडवैगन इसका मतलब ये है आफ्टर अ कपल ऑफ पॉलिटिशियंस वन इलेक्शन बाय प्रॉमिसिंग टू कट टैक्सेस मोस्ट ऑफ द अदर्स जंपड ऑन द बैंडवैगन तो जब पॉलिटिशियंस ने पॉलिटिशियंस uh, जीत गए थे ये प्रॉमिस करके कि हम टैक्सेस कट करेंगे तो दूसरे लोग क्या उसी वादे को यूज करने लग गए थे उसी कॉज को यूज करने लग गए थे कि हम भी ऐसा करेंगे सो दे स्टार्टेड जंपिंग ऑन द बैंडवैगन टू इसका मतलब होता है अपने स्पिरिट हाई रखना चिन अप रखना हमेशा एक हाई स्पिरिट के साथ चलना अपनी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स के बावजूद भी वो अपना चिन अप रखता है अपना स्पिरिट हाई रखता है टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब होता है एक सीक्रेट को रिवील करना बाय मिस्टेक यू हैव नो इंटेंशन टू टेल दैट थिंग बट किसी को बैग नाउ लेट दैट ऑफ द बैग शी हैलती से रिवील हो गया इसलिए उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा बट टू कन्फेस टू मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट जैसा की ये तो नॉर्मली पता ही चल रहा है कि एक लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट में बताना कम वर्ड्स में बताना ब्रीफ यूज uh, नहीं करना उसका एंड कंसाइज फॉर्म में बताना किसी भी चीज को डिटेल्स नहीं शेयर करें अगर आप तो वी स्टार्टेड गोइंग आउट एंड टू मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट वी एंडेड अप गेटिंग सीरियस अबाउट वन एन अदर द लास्ट वन इज टू मिस दी बोट मिस दोट का होता है बेसिकली मतलब कि इतना ज्यादा स्लो हो जाना कि आप किसी पर्टिकुलर ऑपॉर्चुनिटी का एडवांटेज नहीं ले पाते सो पीपल हु हैव होल्डिंग ऑफ ऑफ बाइंग इन केस हुए ड्रॉप फर्दर कुड फाइंड दे हैव कुंड है बोर्ड कि हम लोग बैठे रहते हैं कि और प्राइस लो हो और प्राइस लो हो सेल्स में हमने ये चीज नोटिस किया है तो कई बार ऐसा होता है कि चीज आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है उसके चक्कर में एंड हम लोग को मिल ही नहीं पाती वो चीज सो कम के बदले क्या कि अब वो हमारे हाथ से ही गई एक तरीके से सो नेक्स्ट इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे हमारा स्पेशल स्लाइड इंटरव्यू टिप्स एंड एटिकेट्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इसमें एंड वी विल सी कि हमें क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए ड्यूरिंग द इंटरव्यू बिफोर द इंटरव्यू एंड पोस्ट इंटरव्यू एज वेल सो यहाँ पे कुछ मैंने टिप्स इम्प्रूव uh, करने के लिए मैंशन किए हुए हैं एक तो ट्रिम हेयर कट होना चाहिए आपका अगर आप एक बॉय है तो उस चीज का ध्यान रखिए कि क्लीन शेव है हेयर कट ट्रिम है फॉर्मल ड्रेस पहना हुआ है आपने और एक स्माइल हो बीट अ गर्ल बीट अ बॉय कोई भी हो एक स्माइल होनी चाहिए आपके फेस पे आप इंटरव्यू के लिए क्योंकि वो एक गुड स्टार्ट होता है दैट गिव्स अ फर्स्ट इम्प्रेशन गुड फर्स्ट इंप्रेशन एक्चुअली फॉर्मल ड्रेस क्या लड़कों का तो कोट शर्ट पैंट ये हो सकता है एंड गर्ल्स का जो बहुत सारी है साड़ी पहन सकते हैं सूट पहन सकते हैं आप स्कर्ट एंड टी शर्ट पहन सकते हैं आप एंड इसके अलावा फॉर्मल शूज आते ही हैं तो यू कैन जस्ट चेक की फॉर्मल ड्रेसेज में क्या आता है एंड देन यू कैन व्ययर अकॉर्डिंगली करेक्ट अपराइट बॉडी पोस्टर आपका बॉडी पॉस्चर करेक्ट होना चाहिए आप लीन नहीं बैठे हुए हैं या फिर आपके शोल्डर्स नहीं कर रहे हैं आप क्रॉस करके पैरों को या हाथ को ऐसे ऐसे करके नहीं बैठे हुए हैं दैट इज कॉल्ड ब्लॉकिंग पोज हमें ये सारे पोजेस नहीं यूज करने चाहिए वाइल वी आर टॉकिंग टू समबडी वाइल वी आर एक्सप्लेनिंग समथिंग टू एनी तो उस केस में हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए फर्म हैंडशेक होना चाहिए आपका कि उनको लगे कि हाँ भी हाथ किसी से हाथ मिलाया है किसी से हैंड शेक किया है बट इट शुड नॉट बी टू टाइट इट शुड नॉट बी टू लूज इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए कि एक फर्म हैंड शेक है ठीक है एंड देन लास्ट इज फील ऑफ कॉन्फिडेंस आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए जैसा इस पिक्चर में दोनों लोगों का दिख रहा है कि दे आर कॉन्फिडेंट इनफ एक टाइट uh, हैंड है बहुत ज्यादा टाइट नहीं है बहुत ज्यादा लूज नहीं है बट इट इज कॉल्ड और फॉर्म हैंडशेक दोनों ही फॉर्मल्स अटायर में है एंड दे आर व्यरिंग बोथ आर व्यरिंग स्माइल जो बॉय है ही हैज्रिम क्लीन शेप नहीं है बट ट्रिमिंग किया हुआ है एंड हेयर कट इज ऑल्सो वेल मेंटेन्ड सो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए आप अगर गर्ल है तो आप इस चीज का ध्यान रखिये कि आप बहुत ज्यादा शाइनी इयर रिंग्स वगैरह नहीं पहन के जा रहे हैं आप क्योंकि क्या होता है उस चीज पे इंटरव्यू के टाइम पे उन चीजों पे ज्यादा ध्यान जाता है इंटरव्यूअर का तो इसलिए इस चीज का आप ध्यान रखिए कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग चीजें आपके बॉडी अटायर में नहीं होनी चाहिए चाहे वो आप ब्रेसलेट पहन रहे हैं चाहे आप वो ईयर पहन रहे हैं चाहे आप वो नेक पीस पहन रहे हैं या तो अवॉइड कीजिए उनको पहन के जाना या अगर पहन रहे तो बहुत छोटे हो कि इतना नजर नहीं पड़ रहा है उट फर्स्ट इज ग्रीट जब जैसे आप रूम में एंटर कर रहे हैं सो ग्रीट द इंटरव्यू गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून वट एवर यू आर कंफर्टेबल विथ जैसे भी आपको ग्रीट करना है ग्रीटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इट इज मस्ट एक्चुअली देन हैंड शेक फॉर्म हैंड शेक करना है आपको उस चीज का आप ध्यान रखिए देन आई कॉन्टेक्ट यू शुड मेंटेन आई विद द इंटरव्यूअर एंड पूरे इंटरव्यू टाइम पे ऐसा होना चाहिए कि आपने आई कॉन्टेक्ट मेंटेन किया हुआ है स्टेयर नहीं करना है स्टेयर इज अ डिफरेंट थिंग कि आप घूर रहे हो उनको राइट एंड मेंटेनिंग आई कॉन्टेक्ट इज अ डिफरेंट थिंग तो आपको उस चीज को लिमिट uh, में रहना है बियॉन्ड द लिमिट नहीं जाना है एंड देन यू शुड बी व्यरिंग अ स्माइल यू शुड बी फ्रेंडली विद देम बहुत ज्यादा फ्रेंडली नहीं होना कुछ भी इनमें से ओवरडू नहीं करना है यू शुड नो द लिमिट्स कि हमें किस एक्सटेंथ तक जाना है कौन सी लिमिट है इस पर्टिकुलर चीज की ताकि वो आपका नेगेटिव्स में काउंट नहीं हो एंड देन यू शुड बी पोलाइट विद एवरीवन कि आप आराम से एक नॉर्मल टोन से बात कर रहे हैं यू आर नॉट गेटिंग एंग्री अगर वो आपको प्रोवोक कर रहे हैं कई बार होता है इंटरव्यूज में कि वो जान के आपका पेशेंस टेस्ट करने के लिए दे माइट प्रोवोक यू एंड कई लोग हो भी जाते हैं प्रोवोक दे कम अप समथिंग वेरी अग्रेसिव ये चीज नहीं होना चाहिए यू शुड बी पोलाइट पोलाइटली आप आंसर कीजिए आप इंटरव्यू देने गए हैं आप जॉब लेने के लिए गए हैं इस चीज का ध्यान रखिए ऑल्सो नर्वसनेस के लिए मैं एक चीज बताऊंगी कि हम सब जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमें बहुत नर्वस फील होता है राइट हमें लगता है कि हमें ये जॉब चाहिए एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ कि हमें ये चाहिए ही चाहिए और ये इंटरव्यू बेस्ट नहीं गया तो क्या होगा ये जॉब नहीं मिली तो क्या होगा इतनी सारी चीजें हमारे दिमाग में चल रही होती है इस वजह से वी गेट नर्वस राइट हमें इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो जॉब हमें चाहिए तो उन्हें भी एक इंसान चाहिए जो उस जॉब को कर सके तो वो भी उतने ही नर्वस होते हैं जो इंटरव्यू ले रहे होते हैं बट उनके फेस पे कभी दिखता है हमें कि वो नर्वस इंटरव्यू लेते टाइम नहीं दिखता है राइट right? उसी तरीके से हमें भी हमारी नर्वसनेस नहीं दिखानी होती है इतनी सारी चीजें हमारे दिमाग में चलनी नहीं चाहिए पहले तो आपको खुद को काम करना चाहिए यू शुड फील काम रिलैक्सड आर इंटरव्यू से पहले आप ब्री इन ब्रीद आउट वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं ताकि आपकी बॉडी में कामनेस आए शांति आए एंड देन यू शुड गो फॉर इंटरव्यू एंड इफ यू वॉन्ट टू कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक तो आप मेरे पेजेस को फॉलो कर सकते हैं विच इज लर्न इंग्लिश विद अंकुल्ड वहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे की कौन सी वीडियो कब आने वाले यान एक्स्ट्रा कुछ चीजें आती रहेंगी एंड पॉजिटिव नोट फॉर यू गाइज हासिल हार्ड डू नॉट सेटल डाउन विद लेसर थिंग्स आपके एम्बिशंस uh, बड़े हो सकते हैं आपके ड्रीम्स बड़े हो सकते हैं आपके गोल्स बड़े हो सकते हैं सो so, आप उतना ज्यादा ड्रीम कीजिए एंड कीप हसलिंग डू नॉट सेटल डाउन विद इजी थिंग्स विद लाइट थिंग्स राइट एंड डू शेयर लाइक दिस वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो एंड आई एम श्योर आपको पसंद आया ही होगा सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा थैंक यू सो मच अभी तक बने रहने के लिए अ गुड डे